हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, क्या क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में, कॉल लेटर आपको कब से डाउनलोड करना है, और इसके अलावा दोस्तों आपकी काउंसलिंग की डेट क्या है, किन किन रैंक वाले कैंडिडेट को फ़िलहाल अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और इसके अलावा दोस्तों आपको काउंसलिंग के टाइम पर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आप चलो ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आने के बाद एडमिशन से कॉलम पे आप जाएंगे। उसके बाद जो BHU ऑनलाइन वाला पोर्टल है उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस पोर्टल पर आने के बाद नीचे आप देख सकते हैं द डेट्स फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर फॉर UG कोर्सेज इस 27 से 29 जून, यानी 27 से 29 जून तक अंडर ग्रेजुएट वाले अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट वाले 29 से 6 जुलाई तक अपना जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्दर अपडेट के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं काउंसलिंग की डेट एक्चुअली में है क्या। आपको नीचे आना है काउंसलिंग पोर्टल वाले लिंक पर, यहाँ पर आपको काउंसलिंग पोर्टल का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड योर काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर PG ओपन शेड्यूल मिलेगा, यहाँ पर UG एंड PG डेली कॉलिंग मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी होगी। सपोज़ हमने 5 जुलाई सेलेक्ट करी, तो यहाँ पर देखिए 5 जुलाई को किन किन कोर्सेज की काउंसलिंग होगी, क्या क्या टाइमिंग है, और किन किन रैंक वालों को बुलाया गया है, वो यहाँ पर सभी कुछ मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने कोर्स की काउंसलिंग, क्या आपकी कोर्स की काउंसलिंग की डेट है, टाइम क्या है, और कौन सी रैंक वाले कैंडिडेट को फ़िलहाल अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जैसे यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी की काउंसलिंग हो रही है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 9 बजे से लेकर 9:20 तक। ठीक है, टोटल कॉल 45, कॉलिंग टाइप यहाँ पे मेंशन है और रैंक यहाँ पे मेंशन है। फिर 9:20 से 9:40 तक टोटल कॉल 40, कॉलिंग टाइप यहाँ पे मेंशन है और रैंक यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपनी काउंसलिंग चेक कर लेनी है कि क्या आपकी काउंसलिंग की शेड्यूल है। यहाँ पर आप सिंपली 5 जुलाई के बाद कोई और डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेट में जो काउंसलिंग चल रही होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। उसके लिए आपको जो PDF है, प्रोस्पेक्टस है अंडर ग्रेजुएट वाला, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चूँकि हमने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है। एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट इन अ कोर्स विल बी डन ओनली व्हेन ही शी सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर बताया गया है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करेंगे। द एडमिशन प्रोसेस विल बिगिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। द एडमिशन विल बी डन बाय द एडमिशन कमिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल इशू इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग। एज सून एज द इलेक्ट्रिक कॉल लेटर आर इशूड, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मे लॉग इन ऑन द कैंडिडेट सेगमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड पोर्टल और डाउनलोडिंग द कॉल लेटर। तो कॉल लेटर यहाँ पर सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉल लेटर आप जब डाउनलोड कर चुके होंगे तो यहाँ पर चलेगा काउंसलिंग का प्रोसेस। यूनिवर्सिटी विल अडॉप्ट कंप्यूटराइज काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। ठीक है, स्टेप वन होता है आपका ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री। यहाँ पर आपको अपने जो कोर्सेज होते हैं, यदि आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किया है, या फिर दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसका प्रेफरेंस, या फिर जो अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, यदि आपका कोर्स अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी अवेलेबल है तो उस सम का प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन सेट करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सीट टाइप, रेगुलर सीट टाइप या फिर पेड सीट टाइप, ठीक है, इन सब का प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेट करना होता है। अब दोस्तों प्रेफरेंस आप जब सेट कर चुके होते हैं, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एक्टिविटी ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। यानी जो आपकी डे है काउंसलिंग का, उस दिन आपको क्या करना होता है, रीच द काउंसलिंग वेन्यू एट द प्रिस्क्राइब टाइम गिवन इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में भी दोस्तों आपका टाइम होगा, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको वेबसाइट पर नहीं मिला तो आप कॉल लेटर जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपका इसमें टाइम मेंशन होगा। PG कोर्सेज वाले के लिए 29 जून से कॉल लेटर आएंगे। कॉन्टेक्ट द काउंसलिंग सेंटर वेन्यू इंचार्ज एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय साइनिंग इन द अटेंडेंस शीट अवेलेबल विद काउंसलिंग सेंटर। तो काउंसलिंग वेन्यू में पहुंचकर वहाँ के इंचार्ज से बात करेंगे और वहाँ पर अटेंडेंस शीट होगी, उस पर अपनी अटेंडेंस आप मार्क करेंगे।
अब दोस्तों अटेंडेंस मार्क करने के बाद वहाँ का जो इंचार्ज होगा आप उससे डिस्कशन करेंगे अपनी सारी क्वायरीज, ठीक है, कौन कौन सी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इंचार्ज से बात करने के बाद आप अपने पोर्टल पर जाकर चेंज करना चाहते हैं प्रेफरेंस को, तो आप उस स्टेज में वो काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंचार्ज से रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपने पहले प्रेफरेंस सेट किया था कॉल लेटर आने के बाद कैंपस में जाने से पहले, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस टाइम पर, यदि आपको लगता है कि इंचार्ज से बात करने के बाद मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो। और दोस्तों फाइनल मॉडिफिकेशन के बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे, सिग्नेचर करेंगे और उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो उन सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको उसको सबमिट कर देना है वेरिफिकेशन डेस्क पर। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वन साइन एंड कन्फर्म फॉर अ कैंडिडेट ऑन द काउंसलिंग डेट शोल बी फाइनल एंड शोल नॉट बी चेंज लेटर। तो जैसे आप साइन कर चुके होंगे अपने प्रेफरेंस लेटर पर, तो वो फाइनल होगा, तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोसेस चलेगा सीट अलॉटमेंट का, आपके मार्क्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर और आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर और जो वहाँ पर सीट्स बची हुई हैं उसके बेसिस पर। यदि दोस्तों आपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था और आपकी काउंसलिंग की डेट जनरल वालों के साथ आ गई, तो आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि आपके मार्क्स जनरल वालों के कैंडिडेट के मार्क्स के साथ मैच कर रहे हों, तो उसी केस में ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए भेज दिए और यहाँ पर अगले दिन जाकर आपको एडमिशन लेटर लेना है अपने इंचार्ज से। उस एडमिशन लेटर पर ये मेंशन हुआ मिलेगा आपको कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ पर एडमिशन फ़ीस भी होगी मेंशन हुई भी। और यदि आपने पेड सीट्स के लिए अप्लाई किया था तो रेगुलर फ़ी के साथ पेड सीट भी आपको फ़ीस पे करनी होगी और फ़ीस पेमेंट की डेडलाइन सेम डे, यानी काउंसलिंग के नेक्स्ट डे जब आप एडमिशन लेटर लेने जाएंगे उसी दिन 4 बजे तक इसकी डेडलाइन होती है। हालांकि दोस्तों आप वहां पर जो इंचार्ज होगा उससे ये सब चीज़ें कंफर्म करेंगे कि फ़ीस कितनी है, कब तक पे करनी है और कैसे पे करनी है, यानी ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में। हालांकि ऑनलाइन मोड भी यहां पर अवेलेबल है और इसके अलावा यहां पर कैश मोड में भी यहां पर अवेलेबल है। अब बात आती है एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग डेट। अब दोस्तों जिन कैंडिडेट ने कैश मोड में फीस पेमेंट करी थी, तो उनको नेक्स्ट डे अपना यहाँ पर 4 बजे तक, नेक्स्ट डे 4 बजे तक जो फी रिसीप है वो वहाँ पर शो करनी होगी। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने फ़ीस ऑनलाइन मोड में पे करी थी। और दोस्तों जिन्होंने कैश मोड में फ़ीस पे करी और उन्होंने नेक्स्ट डे अपनी फ़ी रिसीप वहाँ पर जाकर सबमिट नहीं करवाई, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इतना करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। अब दोस्तों लास्ट चीज़ जो थी वो थी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एक तो आपको कॉल लेटर लेके जाना है, ठीक है, कॉल लेटर को दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। कॉल लेटर के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चलेगा, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट चलेगा, यदि आप BHU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, टू बी सबमिटेड नोट डेटर दैन 90 डेज ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप 90 दिन के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर, सॉरी। इसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट चलेगी आपकी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चलेगी, ठीक है, और मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल इक्विवेलेंट एंड इंटरमीडिएट, यदि आप क्लास ट्वेल्व जो एग्ज़ाम होता है उसकी इक्विवेलेंट बॉडी से आपने कंप्लीट किया तो उसकी मार्कशीट चलेगी, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है UET का। इसके अलावा SC ST का सर्टिफिकेट या OBC का सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स सीट्स का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट बेरिंग द सन डॉटर ऑफ परमानेंट इन सर्विस एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, डिजीज एम्प्लॉय ऑफ BHU, ठीक है, BHU के एम्प्लॉय के अगर आप चिल्ड्रन हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कैंडिडेट मस्ट हैव इन देयर पोजेशन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच एज हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इश्यूड, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर बताया गया है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है, वो जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इनविलर वहाँ पर जो इंचार्ज होगा उससे आप पूछ लीजिएगा, तो वो आपको करेक्टली सब कुछ बता देगा। तो दोस्तों अभी के लिए तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और दोस्तों आप अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल चेक कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और अपडेट होती है काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।